ये है क्रेटा 2023, इंडिया की लीस्ट फेवरेट कार। कार रिव्यू पहली बार ही हो रहा है ना, तो थोड़ा लुप लुप हो जाती है। क्या मुंह के अंदर घुसेगा क्या? देखते हैं कार चलने में कैसी है। कार अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगी, आपको सेल्फ मारने की जरूरत नहीं है। कैसे पता लगेगा चलने में कैसी है? ट्रैफिक कितना होता है दिल्ली की रोड पे? भाई अभी तो हम खाली रोड पे आ रखे हैं। और क्रेटे करते हैं थोड़ा, पूरी साफ करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा रिव्यू जिसकी एक भी वीडियो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। ये है क्रेटा 2023। चल दोबारा। ये है क्रेटा 2023। यहाँ देखना भाई, यहाँ पे मिट्टी रह गई है यार। यहाँ पे ये दिख रही तेरे को क्या मतलब? हाँ हाँ साफ दिख रही है, पूरी साफ करते सर। तो जिसकी मैं बात कर रहा था वो है ये हाथी क्रेटा 2023। एक सेकंड, हमें आगे से दिखाना चाहिए क्या पीछे से दिखा रहे हैं? चल चल भाई चल, सॉरी दिखाते हैं यार पहले। सॉरी सॉरी। ठीक है, अब सही लगी है? क्या मुंह के अंदर घुसेगा क्या? ये है क्रेटा 2023, इंडिया की लीस्ट फेवरेट कार आपके सामने। इसकी वेटिंग है तकरीबन 8 महीने की। आप लगे रहो लाइन में, आपको कार नहीं मिलने वाली। और ये है इसका बेस मॉडल जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड शायद नहीं है इंडिया में। चलिए अब आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। और भाई छत तू ने साफ नहीं करी, मिट्टी देखी हो? चलिए आपको कार दिखाते हैं। पिछले 2-3 साल से ये कार आ रही है ओके, और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। सेम, एग्जैक्टली सेम, वही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, वही DRL। अच्छा DRL थोड़े से पतले हो गए हैं। ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, ये लोग लगे विच इज़ बेस्ट। इन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का मतलब फ़ायदा है, आपने हाई बीम पे ही चलाना है, आपको ये है कि दुनिया को दिखे ना, अंधे हो जाए वो लोग, है ना? तो करो हाई बीम पे करो, बेवकूफ़ होगी करो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये है फ्रंट व्हील, बोरिंग प्लास्टिक, नॉन पेंटेड, बेस मॉडल में यही मिलता है और क्या मिलता है। कलर अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है। हुंडई की एक खासियत है वो कलर अच्छे प्रोवाइड करती है। रेड कलर उन्होंने 2023 में बंद कर दिया, रेड कलर अब नहीं मिल रहा। और ये इंजन भी मतलब फोल्डेबल है, इससे बड़ा झुका मिलता है और अंदर से एडजस्टेबल है। वैसे ये डोर ऐसे यहाँ काफ़ी लगा है। ये टेल लैम्प्स, यहाँ पे भी एक पतली सी LED आती है जो जलती रहती है। जला दे तुम, चलो मतलब वैसे लाइट दिन में दिखेगी अभी। हाँ अच्छा, सो ये इसकी ब्रेक लाइट और टेल लैम्प है या व्हाटएवर शिट यू वांट टू कॉल। ठीक है, तो ये देखो ये पतली सी लाइट आती है, यही बताती है कि ये बेस मॉडल है। ऐसे डिफरेंशिएट करती है कंपनी आपके मॉडल्स में, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अब आपको ना डिक्की के अंदर दिखाते हैं, डिक्की में स्पेस कितना है। स्पेशियस है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर आपको कितना बूट स्पेस मिलेगा, मज़ा आने वाला। बहुत ज़्यादा बूट स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बंदे लेट जाएं, इतना बूट स्पेस है। और 60-40 रेशो स्प्लिट के बाद बहुत अच्छा स्पेस बन जाता है, क्योंकि सीट इसकी 60-40 रेशो में स्प्लिट हो जाती है। 2023 में बेस मॉडल में भी 60-40 रेशो स्प्लिट आ गया। चलिए मैं आपको दिखा दूँ डिक्की। ये क्या, ये कहाँ दिखाऊँ मैं स्पेस? स्पेस है तो देख कितना सही सामान रखा हुआ है। सामान ही तो रखना है, बंदा थोड़ी लुटाना है। बकवास कर रहा था, यहाँ पे बंदा लेट सकता है यार। आप देख लेना, आप प्लीज़ किसी और की वीडियो देख लेना, इतने सारे रिव्यूज तो डले हुए हैं ना ऑनलाइन, देख लेना, पता ही होगा वैसे भी आपको कितना बूट स्पेस है। 433 देख लो, 433 तो आपको पता ही होगा यार, 433 लीटर बूट स्पेस है इसमें। अच्छा बेस उसमें ये लैंप नहीं मिलता यहाँ पे, सिर्फ जगह दे रखी है। और ये इमरजेंसी खोलने के लिए चाबी डालो खुल जाए, ये है हाथ डाल के ऐसे। अच्छा इसमें पार्सल ट्रे भी नहीं आती, वो भी आपको बाहर से लगवानी पड़ेगी। बेस मॉडल है ना, कुछ नहीं होता। और इसमें रियर व्यू कैमरा नहीं है, अरे ये हमने बाहर से लगवाया हुआ है, तो कंपनी इसको प्रोवाइड नहीं करती, ये बाहर से लगवाया हुआ है। चलिए अब इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं, इसके अलॉय व्हील्स। मज़ा आ जाएगा, 17 इंचेस अलॉय व्हील्स है, आपको दिखाता हूँ।
गलत इन्फॉर्मेशन रखी हुई है मैंने। 12.5 लाख में आपको अलॉय व्हील्स देंगे, मजाक चल रहा है क्या यार? 16 इंचेस टायर है वही स्टील रिम वाले, देख लो बाकी स्पेसिफिकेशन आप पढ़ लो यहाँ पे। अब आपको मैंने दिखाना था हाँ बिल्ड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी गुड, वेरी गुड, बेटर देन मारुति, फोक्सवैगन, स्कोडा, इनकी कंपैरिजन में नहीं है लेकिन फिर भी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेटर है जैसा मुझे लगा, क्योंकि दरवाजे का वेट भी ज़्यादा अच्छा है और ये तब तो नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड। देखा बाकी पता नहीं भाई, ये थोड़ा हैवी है, काफ़ी हैवी है ये, अच्छा हो गया बात। अच्छा इसके नीचे आपको मिलेगा BS6 Phase 2 इंजन, अभी दिखाऊंगा आपको भाई। बोनट कहते हैं इसे, तू बताएगा मेरे को क्या बोला या नहीं बोला? तो बोनट है ना भाई वो, तू बताएगा। काफी हैवी है ये, काफी हैवी है। सो दिस इज BS6 Phase 2, इसमें 20% एथनॉल डल के वो चल जाती है, पता नहीं कुछ है पर कैसी इसकी। गवर्नमेंट ने नए नॉर्म्स पास करे थे वो भी आपने देख ही लिए होंगे। अब आप अगर क्रेटा सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे तो सबसे पहले बहुत सारी वीडियोस आती हैं, सारी आपने देख ली हूँ, उन्होंने बता दिया होगा BS6 Phase 2 इंजन आ गया है। इसमें इंजन अच्छा है, 4 सिलेंडर इंजन है, 113 ब्रेक हॉर्स पावर देता है, इससे पिकअप बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा और टॉक भी अच्छा है। सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है ना इन टायर्स के पीछे, चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक्स आ गई है, वो भी वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स। एक सेकेंड, वेंटिलेटेड कहाँ है इसमें? सॉरी माय बैड, 12 लाख में आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलेगी, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? नॉर्मल डिस्क ब्रेक्स है लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक्स, ब्रेकिंग सुपर्ब हो गई है इसकी, पहले से बहुत बेटर हो गई है। और अब आपको मैं अंदर लेके चलूंगा जहाँ आपको बताऊँगा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी तो था ही पहले से, पावर शेयरिंग भी था पहले से, ठीक है, हिल डिसेंट भी आ गया है। चलो आओ अंदर। सो ये है, ये क्या है यार, ये मैं ऐसे रिव्यू करूंगा यार, मजाक चल रहा है यहाँ पे यार, क्लीन कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ का क्या मतलब है? गिम्बल यहाँ रखा हुआ है, ये सब यहाँ रखा हुआ है, ये देखिए यार करियो पीछे कर, मेरे को ही हटाना है तो मैं बोली क्यों रहा हूँ फिर? क्या तारे चाबी है, अबे क्या दिखाऊंगा मैं भाई, किसको क्या दिखाऊंगा? हटाओ ये सारा सामान, हटाओ भाई। वेलकम अगेन, चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ इसमें क्या मिलता है। अच्छा ये ऐसी चाबी मिलती है, देखते हो लॉक अनलॉक और ये पीछे टिक्की खुल जाती है और चाबी ऐसे खुल जाती है चाबी बता। अच्छा यहाँ पे इल्यूमिनेटेड नहीं है कुछ भी। सो बेस्ट चीज़ क्या है, इसका इंटीरियर बहुत ही अमेजिंग इंटीरियर बनाया, मतलब इतना बोरिंग इंटीरियर कोई कैसे बना सकता है, मैं नहीं समझ आ रहा। देख रहे हो कुछ है ही नहीं यार, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिल रहा, इसमें कोई कंट्रोल नहीं मिल रहा, स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं मिल रहा, बोरिंग इसका स्पीडोमीटर और टैकोमीटर है। अच्छा म्यूजिक सिस्टम भूल जाओ बेस मॉडल में नहीं मिलता, अरे भूल जाओ बाहर से ही लगवाना पड़ेगा या कंपनी से आपको लगवाना पड़ेगा, ये आपकी चॉइस है। इसकी बेस्ट चीज़ जो मिल रही है वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें मिल रहा है 6 एयरबैग्स, तो सेफ्टी के हिसाब से सबसे बेस्ट है 6 एयरबैग्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेस्ट है 6 एयरबैग्स, ठीक है। और इसमें अब ऑटो इग्निशन ऑन ऑफ मिल गया, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल गया जो बहुत सही है, हिल डिसेंट इन्होंने डाला हुआ है, पता नहीं चलता है नहीं चलता, क्या है क्या नहीं है समझ नहीं आ रहा अभी, क्योंकि अभी मेरे दोस्त के पास एक कार आई है उसने चुन ली है तो उसने मेरे को दे दी रिव्यू करने के लिए, मैं वही देख रहा हूँ। सही सिस्टम बाहर से लगवाया है, सोनी का सिस्टम लगवाया है, वेरी गुड, आउटपुट बहुत अच्छा है इसका। उसके बाद मैं क्या बताऊँ, आर्मरेस्ट पता होगा आपको, सब मिलता है, गियर्स आपको सब पता है, सीट का कम्फर्ट भी आपको सब पता है, हाइट एडजस्टेबल है, पीछे भी ठीक है यार, बाकी वही सब चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली दिख रही हैं क्रेटा में, ये इसे बाहर से लगवाया हुआ है। अब मैं आपको पीछे दिखाता हूँ पीछे क्या है, तू एक काम कर पहले सामान हटा ले, ठीक है, उसके बाद दिखाता हूँ, उसके बाद रिव्यू कर देता हूँ। सो पीछे का स्पेस अब मैं आपको दिखाता हूँ, ओहो सुपर कंफर्टेबल, बहुत अच्छा कम्फर्ट है, मेरे पास होंडा सिटी है
तो उससे कंपेयर करूँ इसकी सीट्स मतलब 10% थोड़ी सी डाउन है कंफर्ट में, क्योंकि होंडा सिटी तो लाइक होंडा सिटी होंडा सिटी, लेकिन इसका कंफर्ट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कंफर्ट है ना, मेरे को उम्मीद थी। स्पेस भी बहुत है, लेगरूम बहुत है, देखो थाई सपोर्ट थोड़ा सा वैसा है कम है, लेकिन ठीक है आप ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, थाई से पूरा है ऐसे बैठ जाओ। अब मैं आपको 60-40 वो दिखा रहा था, ये सी यहाँ पे वो यही है वो चाइल्ड सपोर्ट एंकर वाला ना, यहाँ पे इन्होंने कर रखा है अपने जो भी है, बढ़िया रखा है, मतलब मज़ा आ गया इसको देख के ना। ये 60-40 इन्होंने बेस मॉडल में ही देना स्टार्ट करी है, अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब जो अच्छी चीज़ है, हेड रेस्ट इसके ऊपर नहीं जाते वो तो है ही, अच्छा आर्म रेस्ट नहीं है इसमें, और ये 40% हो गया, इसमें भी चाइल्ड एंकर वो दे रखा है, तो कर लेना उसे लगा लेना अगर चाहिए हो तो, ठीक है हाँ। और पीछे ये एसी वेंट है, दे आर लुकिंग सुपर अमेजिंग भाई, ये हटा दिया, खाली जगह जहाँ मिलेगी वहाँ पे तो पूछना ही है ना सामान से लोगों ने, क्योंकि इसमें चार्जिंग पोर्ट नहीं है, ठीक है ना। और ये यहाँ से ये ऐसे बंद होता है, बंद होता है ये बहुत ज़्यादा, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये आपका लाइट जो भी इसको बोला, आगे लाइट नहीं मिलती इसमें, सन ग्लास होल्डर नहीं है, बेस मॉडल है ना, इतने पैसे खर्च करने के बाद आपको बेस होल्डर कुछ नहीं मिलता, मतलब ठीक है। सेफ्टी फीचर वाइज सुपर अमेजिंग, आई गिव 10 out of 10 सेफ्टी फीचर्स में, 10 out of 10 चार्जर स्पेक, 6 एयर बैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, न जाने क्या क्या दे रखा है इन्होंने, जो भी है वैसे इन सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी है, ऑटो इग्निशन ऑन ऑफ, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इसका, ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है, वो करते हैं वो चलाते हैं, पर आपको अगर देखो इफ़ यू आर स्पेंडिंग योर हार्ड अर्न मनी ऑन समथिंग, मतलब 12 लाख रुपये आप अगर खर्च कर रहे हो और उसमें भी आपको म्यूजिक सिस्टम भी ना मिले, तो थोड़ा सा वो लगता है कि क्यों खरीद रहे हैं हम ये, क्योंकि अगर आप खरीदते हो 12.5 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, उसके बाद आप 50-60 हज़ार रुपये और लगाओगे म्यूजिक सिस्टम के ऊपर, थोड़ा वर्थ नहीं लगती, कई बार लगता है यार ये क्या कर रहे हो, कर ही क्यों रहा हूँ मैं, लेकिन ओवरऑल दिस कार इज सुपर अमेजिंग, मज़ा आ गया, बस बोरिंग डैशबोर्ड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अरे सीट बेल्ट, सॉरी माय बैड यार, वो रिव्यू मतलब कार रिव्यू पहली बार ही होता है ना, तो इसलिए थोड़ा समझ लो मतलब हो जाता है, थोड़ा लुक लुक हो जाती है, अब देखते हैं कार चलने में कैसी है, पर कैसे पता लगेगा चलने में कैसी है, ट्रैफिक इतना होता है दिल्ली की रोड पे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ये पूछो मत, हर जगह तो दिल्ली को खोद रखा है भाई, अभी तुम खाली रोड पे आ रखे हैं, मेरे को बोलना ज़रूरी है, नहीं तुझे बोलना ज़रूरी है बीच में, कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ी नहीं बोलनी होती, तुम बोल रहे हर एक चीज़ में सच आके, सो हम बात कर रहे हैं कार के चलने की, ड्राइव इज रियली स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मज़ा आ गया, विद इन सेकेंड आप अच्छी स्पीड पे पहुंच जाते हैं, ज़्यादा स्पीड पे मत चलाइए, सेफ्टी इशूज़ होते हैं, यू नो प्रीटी वेल, अब मैं गड्ढों से लेके जा रहा हूँ, ओ हो हो ग्रेट, रोड पे जैसे इंडियन रोड पे गड्ढे होते हैं जिस पे सेडान कार फेल हो जाती है, तो SUVs काम आती है, और ये मिनी SUV अच्छी है इस चीज़ में, चलो चलने में तो बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है इसको काफ़ी चलाने में, और कैबिन नॉइज भी इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है कैबिन नॉइज, और शॉक्स भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्राइव चल रही है, मज़ा आ गया मेरे को चला के ना, इसे फिफ्थ गियर में भी सुपर अमेजिंग रिस्पॉन्स, इंजन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आपको चला के इसको मज़ा आ जाएगा, और SUV है, मिनी SUV है, तो मतलब हाइट आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, जैसे मेरे पास होंडा सिटी है तो मेरे को उसमें हमेशा ये दिक्कत रहती है कि गड्ढों से निकलते हैं तो नीचे लगती है, वो स्पीड ब्रेकर से भी लगती है, लेकिन इसे 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और देखो स्मूथली होंडा का ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहता है, हमेशा से अच्छा ही रहा है उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस,
तो आई रियली लव इट, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है इस कार को चलाने में। बेहतरीन ड्राइव, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, कार रूट से ना काफ़ी ज़्यादा चिपक के चल रही है, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। ये ऑब्वियसली बात है मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होगा, साले को इतना मज़ा आ रहा होगा ना इस कार को चलाने में, पता नहीं मैंने ट्रस्ट करके दे तो दी है गाड़ी, लेकिन उसके मतलब मैं बहाने वाला हूँ। अच्छा 80 के ऊपर पहुँचते ही बीप आ जाती है और मैंने 6 गियर लगा दिया, फुल स्टेबिलिटी, गुड कंट्रोल, स्टेयरिंग नहीं छोड़ना है, मैंने छोड़ दिया, गलती से छोड़ दिया, मैंने पहला रिव्यू है मेरा, मेरी गलती चलेगी, समझ आ रही है आपको? हाँ, स्टेयरिंग छोड़ के नहीं चलाना आपने। वाह, मज़ा कार को चलाने में बहुत मज़ा। अब मैं आपको इसका एक ऐसा फीचर बताऊंगा जो मतलब आपने ध्यान नहीं दिया हो शायद, लेकिन ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो मुझे भी अभी पता लगा है कि आपने सेकंड गियर में कार डाली, सपोज आप ट्रैफिक में हो और कार आपकी बंद हो गई, तो आप क्लच दबाओ, न्यूट्रल कर दो, कार अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगी, आपको सेल्फ मारने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट थिंग, वाओ मज़ा आ गया, पूरा व्यू भी अच्छा है, ए प्लस ठीक है, एकदम सही है, ज़्यादा मोटे नहीं है, बी प्लस भी सही है, सी प्लस भी अच्छे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, रिक्शा करें, तो अगर कार की शॉट लेना है तो फटाफट। मज़ा आ गया ये गाड़ी चला के, सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताए इसमें छोटे मोटे मतलब बहुत अच्छे फीचर्स हैं, वो जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो सबसे ज़रूरी है। ये कार चला के मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इसकी रोड की ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, एसी बहुत इफेक्टिव है, हालांकि मैनुअल एसी है बेस मॉडल में, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, और पावर विंडोज़ हैं, चारों पावर विंडोज़ हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल आपको सिर्फ एक को थोड़ा सा इधर उधर ऊपर नीचे देखने के लिए कि क्या है, एवरेज वावरेज ये सब देखने के लिए, एवरेज भी अभी नई कार है तो इसकी एवरेज मैक्सिमम अभी हमने 11-12 देखी है मेरे दोस्त ने जो मेरे को बताया, बाकी देखते हैं आगे फर्स्ट सर्विस के बाद कितनी एवरेज आती है, लोग क्लेम करते हैं 13-14 सिटी में, बाकी देखो कई सकता है सिटी में 12 भी है क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक आपको पता है माशाल्लाह और अच्छा है। अब इंटीरियर्स मुझे इसके पसंद नहीं आए हैं, मुझे इसके ओके ओके इंटीरियर लगे हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस है, हो सकता है आपको बहुत अच्छे लगे, ये मेरी चॉइस है कि मेरे को अच्छे नहीं लगे, तो उसके मेरी चॉइस ज़्यादा अच्छी है। और एक्सटीरियर वाइज मुझे मेरे को ये कार बहुत ज़्यादा पसंद है, ग्रे कलर जो टाइटन ग्रे कलर है ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ब्लैक और वाइट से बहुत बेटर है, हाँ लेकिन ये भी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये टाइटन ग्रे कलर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, इंटीरियर में ये कार बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है इसकी बैक पीछे से फ्रंट वो बैक, और ये मेरे को कार काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, थोड़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ है, हालांकि कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, पिछले 2-3 साल से यही डिज़ाइन आ रहा है, जो नई आ रही है मैंने दुबई में देखी थी, साइड से वो एकदम सेम है, एग्जैक्टली सेम है, फ्रंट और बैक थोड़ी सी चेंज है, और इंटीरियर उसका पूरा ब्लैक है, जैसे इसमें डुअल टोन है वो पूरा ब्लैक है। ओवरऑल आई गिव मतलब मैं इस कार को देता हूँ 8 से 9 पॉइंट, अच्छा यार बढ़िया यार, 10 out of 10 है, बढ़िया कार है, मज़ा आ रहा है, आपके पास जो कार आ जाए ना वो सबसे बेस्ट है, आपके घर में जो कार आ जाए इन्जॉय करो उस कार को, अब ये मेरे दोस्त की कार आई है और मैं बोलूँगा इन्जॉय करें, फुल मज़ा करें, बहुत बढ़िया कार है, सबसे बढ़िया कार है। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं छोटा सा रिव्यू क्रेटा का, और ये कार मुझे बहुत पसंद आई है, बाकी आपको इसके बारे में कोई पूछेगी ये सब आपको किसने बताया नहीं है ना, वॉर्म ब्लड प्रोडक्शन पे देखा था, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा हमारे सब्सक्राइबर्स में भी, और हाँ इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय, और क्रेटा पढ़ते हैं थोड़ा।